अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप सबको मेरी आवाज आ रही है। इफ यू कैन शो मी अ थम्स अप, अगर आप अपने उस पे। थैंक यू सखावत, ठीक हो गया। चलें जी, विल स्टार्ट विद आवर टुडेज लेक्चर। ऑलराइट, तो आई वेलकम यू ऑल। सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शाह सवार है और आई एम करंटली एट द फॉरेन सर्विस एकेडमी। मेरी स्पेशलाइज ट्रेनिंग हो रही है और आई होप आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी जीबीसीसी की। और मैं सिर्फ थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करना चाह रहा था करंट अफेयर्स में, आप लोगों को थोड़ी सी डायरेक्शन मिल जाए। बिकॉज करंट अफेयर्स एक ऐसा एग्जाम है जो जिसकी कन्वेंशनल तैयारी नहीं हो सकती, जिस तरह से आप बाकी पेपर्स को बुक से पढ़ के प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर एक एक हिस्ट्री होती है, उसका एक कॉन्टेक्स्ट होता है और उसके अंदर एक मटेरियल, उसका चैप्टर क्लोज हुआ होता है। करंट अफेयर्स एक अफेयर्स का पेपर एक ऐसा होता है जो एक डेवलपिंग स्टेज में होता है, और इसके जितने भी टॉपिक्स आपने सिलेबस अगर देखा हो, इट्स वेरी ओपन एंडेड। तो इस पर हम बात करेंगे और इसकी तैयारी कैसे की जानी है इसके ऊपर हम आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। चलें, लेट्स स्टार्ट विद आवर स्लाइड्स। ऑल राइट, तो इफ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स एवरी डे देर इज अ न्यू डेवलपमेंट। करंट अफेयर्स के जितने भी अगर आप टॉपिक्स देखेंगे तो उसके अंदर आपको एक सिलेबस में एक चीज नजर आएगी कि वो बहुत ओपन एंडेड है, बहुत ब्रॉड है। उसके अंदर उन्होंने कोई स्पेसिफाई नहीं किया हुआ कि आपने ये टॉपिक करना है, ये वाला करंट अफेयर्स का इवेंट करना है। और आपने ये भी देखा होगा सिलेबस जो है इट्स बेस्ड ऑन सीएसएस का जो 2016 के अंदर सिलेबस रिलीज हुआ था, और 2016 के बाद काफी डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं उन चीजों के अंदर। तो इस हिसाब से जितना ओपन एंडेड इसका सिलेबस होता है, उस हिसाब से इसकी प्रिपरेशन कैसे की जाए उस पर हम थोड़ा सा बात करते हैं, क्योंकि रोजाना के बेसिस पे इसके अंदर न्यू डेवलपमेंट्स हो रही हैं, नई चीजें इमर्ज करती हैं हर हर एक पर्टिकुलर इवेंट में, हर पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट में, किसी कॉपरेशन के किसी इवेंट में, और जितने भी करंट इवेंट्स हो रहे हैं, हैपनिंग्स हो रही हैं। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि यू स्टे अपडेटेड विथ एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इन द ग्लोबल अरीना एंड डोमेस्टिक स्फेयर। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये कि आप न्यूज़पेपर्स को कंसल्ट करें। आजकल न्यूज़पेपर्स आपको खरीदने की भी जरूरत नहीं पड़ती, न्यूज़पेपर्स आर इजीली एक्सेसिबल ऑन द इंटरनेट। उसके अलावा इंटरनेट पे देर आर मल्टीपल एंड टन्स ऑफ रिसोर्सेस जो आप कंसल्ट कर सकते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा स्ट्रेस करता हूँ कि न्यूज़पेपर्स को रोजाना के बेसिस पे इंटरनेशनल अफेयर्स जो खास तौर पे, और जो करंट अफेयर डोमेस्टिक के जो करंट अफेयर्स हैं, इनको रोजाना के बेसिस पे कंसल्ट करें, ओपिट जरूर पढ़ें। इसके लिए एक मैं आपको आप कह रहे हैं हैक बता देता हूँ कि अक्सर हम लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं और सोशल मीडिया पे हमारा बहुत टाइम कंज्यूम हो जाता है। तो सोशल मीडिया पे एक ऑप्शन है फेसबुक पे और बाकी सोशल मीडिया एप्स पे भी, कि आप किसी भी पेज को सी फर्स्ट कर सकते हैं, कि अगर आप कोई अपना ऐप खोलें तो उसके अंदर पहली पहली जो चीज आपको नजर आए वो उस पेज से हो। तो जितने भी न्यूज़पेपर के पेजेस हैं, जितने भी एनालिसिस वाले पेजेस हैं, जो आपको एक अच्छा एनालिसिस पेज पेश करने वाले लोग हैं, एनालिटिकल लोग हैं, एक्सपर्ट्स हैं, ऑथर्स हैं, इनके पेजेस को आप बेशक लाइक करें और सी फर्स्ट करें, ताकि आप जब भी अपना सोशल मीडिया पेज खोलें तो वहां से आपको फर्स्ट इंफॉर्मेशन आ रही हो। ट्विटर इज अ गुड रिसोर्स, ट्विटर पे आपको बहुत इंफॉर्मेशन फर्स्ट हैंड मिल रही होती है। ऑल राइट, उसके बाद आ जाता है हमारे पास के करंट अफेयर्स के इवेंट्स को लेके हम उनको पेपर के लिहाज से उसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे, कि कोई अगर कोई एक हैपनिंग हो रही है, कोई इवेंट हो रहा है, तो उसको हम कैसे देखें। तो सबसे पहले आपने ये देखना होता है कि हुआ क्या है, कि व्हाट इज हैपनिंग। कोई भी फॉर एग्जांपल हम अभी ले लेते हैं नगोनो कराबाख में जो इवेंट हुआ है, नगोनो कराबाख में क्या हुआ है, मतलब वो कॉन्फ्लिक्ट किस वजह से पेश आया, व्हाई डू यू थिंक इट हैपेंड, पीछे जितना कॉन्टेक्स्ट था, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट उसका, कि किन चीजों ने कॉन्ट्रीब्यूट किया इसके अंदर, कौन लोग थे, कौन प्लेयर्स थे इसके अंदर, कौन से स्टेट लेवल के प्लेयर्स थे, कौन से इंडिविजुअल प्लेयर्स थे, कौन से इन्वायरमेंटल फैक्टर्स थे, और क्या क्या फैक्टर्स ने कॉन्ट्रीब्यूट किया, एंड उसके फिर क्या इम्पैक्ट होंगे रीजन के ऊपर, उन स्टेट पार्टीज के ऊपर, और फिर
क्योंकि आप पाकिस्तान में हैं, तो आपने पाकिस्तान के लिहाज से भी उसका देखना है कि उसका इम्पैक्ट क्या होगा पाकिस्तान के ऊपर। तो ये एक मैंने सीक्वेंस आपको बना के दिखा दिए कि आपने अपना जो पेपर है उसके अंदर आपके सारे एग्जाम के जो क्वेश्चंस होंगे करंट अफेयर्स के, दे विल बी एनालिटिकल, और उसके अंदर आपने जो भी अपना एनालिसिस देना है, इस पे भी हम बात करेंगे कि एनालिसिस के अंदर आपका एक जो चीज़ है उसका आपने ख्याल रखना है, लेकिन जो भी आप एनालिसिस देंगे इट शुड बी बैक्ड बाय एविडेंस कि आपने जो भी बात की है कि उसको आपने प्रूफ भी करना है कि ये वाकई में जिस तरह से आप बात करें वैसे हो भी सकता है, मतलब हवाई बात नहीं कहनी। इसमें एक और चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि अगर आप किसी पाकिस्तान की स्टेट का नैरेटिव दे रहे हैं, स्टेट का जहाँ पे रोल आ रहा है वहाँ पे आपने कोशिश करना है कि स्टेट के नैरेटिव से बहुत ज़्यादा डाइग्रेस नहीं करें, ज़्यादा ना हटें। फॉर एग्जांपल आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान से ज़्यादा आप उसके उससे कॉन्ट्रेरी अपना आंसर ना लिखें, क्योंकि कुछ जगहों पे स्टेट का नैरेटिव जो है वो उसके अगर आप खिलाफ लिखेंगे, उसके कॉन्ट्रेरी अगर आपका आंसर होगा तो दैट वुड बी डेट्रीमेंटल टू योर एग्जाम, आपके जो मार्क्स हैं उसमें थोड़ा सा मसला कर सकता है। इसलिए स्टेट नैरेटिव को भी ख्याल रखते हुए आपने अपना एनालिसिस देना है, लेकिन योर एनालिसिस शुड बी बैक्ड विद एविडेंस। ऑलराइट, उसके बाद आ जाता है सिलेबस। सिलेबस में आप देखेंगे कि हमारे पास उन्होंने ब्रॉडली तीन हेडिंग्स के अंदर उन्होंने डिवाइड किया हुआ है आपके सिलेबस को। सबसे पहले है डोमेस्टिक अफेयर्स। डोमेस्टिक अफेयर्स अगर आप देखेंगे, इसको हम आगे देख लेते हैं वैसे, फिर आपके पाकिस्तान फॉरेन रिलेशंस विद अदर कंट्रीज, एंड फिर जो ग्लोबल लेवल पे इश्यूज चल रहे हैं उनके बारे में। डोमेस्टिक अफेयर्स में अगर आप पाकिस्तान अफेयर्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि ये ऑलरेडी उसमें सारा कुछ कवर हो रहा है, लेकिन हम फिर भी मैं आप लोगों को डायरेक्शन देने के लिए आप लोगों को कुछ चीज़ें बताऊंगा जिनके बारे में आपको पढ़ना चाहिए। मैं आपको इन सारी चीज़ों के बारे में नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, इवन दो वो नोट्स आपके लिए काफ़ी इसलिए नहीं होंगे क्योंकि रोज़ाना के बेसिस पे न्यू डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि उन नोट्स को आप यूज़ करके कॉन्टेक्स्ट अपना बिल्ड करें। कॉन्टेक्स्ट बिल्ड करने के बाद आपने फिर उनकी रोजाना के बेसिस पे उनकी जो डेवलपमेंट हो रही है उनकी ना आपने खुद से नोट्स बनाते जाना है ताकि आप उसके ऊपर फिर अपना एनालिसिस बिल्ड कर सकें। तो पॉलिटिकल स्फेयर में, इकोनॉमिक स्फेयर में और सोशल स्फेयर में पाकिस्तान के अंदर जो करंट अफेयर्स के इवेंट्स हैं उनको हम थोड़ा थोड़ा से डिस्कस कर लेंगे और मैं आपको थोड़ी सी डायरेक्शन दे दूंगा, लेकिन मेजोरिटी ऑफ दिस इज बीइंग कवर्ड इन पाकिस्तान अफेयर्स, इसलिए हम इसमें सिर्फ अपना लिमिटेड रखेंगे। ऑलराइट, पॉलिटिकल स्फीयर में अगर हम देखें, आजकल करंट पॉलिटिकल एनवायरनमेंट काफ़ी पोलराइज है पाकिस्तान के अंदर। जो गवर्नमेंट है और अपोजिशन है, दे आर एट लॉगरहेड्स ऑन एवरी अदर इशू। मल्टीपल इशूज आपने जो रिसेंटली अगर देखे हो तो उनमें अकाउंटेबिलिटी का, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, इंस्टीट्यूशनल टसल्स का, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का, उसके अलावा लॉ मेकिंग का, ये कुछ मेजर इश्यूज हैं जिनके ऊपर ऑपोजिशन और गवर्नमेंट जो है जिनका काफ़ी इख्तलाफ है। तो आपका जो करंट पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है इसको लेके आपने प्रिपेयर ऐसे करना है कि जो भी आपकी लास्ट 3 ईयर्स से आप थोड़ा सा लेंगे 2018 के बाद से जो हमारी नई इनकम्बेंट गवर्नमेंट है, इनके होते हुए जितनी भी गवर्नमेंट पॉलिसीज आई हैं, इनके होते हुए जितनी भी गवर्नमेंट की जो पॉलिसी से इख्तलाफ है ऑपोजिशन का, उनका पॉइंट ऑफ व्यू, और उसके बाद जितनी करंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं इन सारी चीज़ों में, तो इनमें जो मेन जो चीज़ें हैं उनमें हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का आपने देखा होगा कि पिछले लास्ट कुछ ईयर से प्रेजिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को वापस लेकर आने के लिए एक एक डिबेट चल रही है, एक पब्लिक डिबेट चल रही है। आई एम नॉट सेइंग कि ये जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है ये उसको पुश कर रही है, लेकिन एक जो डिबेट चल रही है इसकी बेसिस पे दे कुड बी अ क्वेश्चन के आपके ख्याल में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पाकिस्तान के लिए कॉन्टेक्स्ट में कौन सा बेहतर है। तो इसके लिए यू शुड सी एंड प्रिपेयर योर एनालिसिस कि इसमें पाकिस्तान के अंदर जो एविडेंस है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का और गवर्नेंस का, उसने क्या काम किया या नहीं किया, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ने काम किया या नहीं किया, और कहाँ कहाँ पे कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ज़्यादा बेहतर रही, एंड उसके बेसिस पे क्या अभी आपको लगता है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेहतर है या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेहतर है।
ये आपका सीक्वेंस होना चाहिए जिसके बेसिस पे आप फिर अपना एनालिसिस बिल्ड करेंगे. इसी तरह फॉर इंस्टीट्यूशनल टसल्स, रिसेंटली वी हैव सीन के जुडिशरी वर्सेस द गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव सिविल मिलिट्री रिलेशंस हो के, जुडिशरी वर्सेस मिलिट्री के भी रिसेंटली काफ़ी उभर के आ रहे हैं सामने. हमारे पास जस्टिस फैजीसा का जो फैजाबाद वाला डिसीजन था, सुप्रीम कोर्ट रूलिंग थी, उसके बाद से देयर हैज बीन एन टेसेड फॉर्म ऑफ टसल बिटवीन द इंस्टीट्यूशंस, पर्टिकुलरली द मिलिट्री और जो जुडिशरी है. और ये इसने ओवरऑल पाकिस्तान के पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को काफ़ी अफेक्ट किया है. तो इन इन जितने भी टसल्स हैं, इनकी हिस्ट्री, इनका कॉन्टेक्स्ट, इनके अंदर जो मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं, प्लेयर्स जो हैं, फिर उनके अंदर रिसेंटली क्या डेवलपमेंट आई है, इसको सॉल्व करने के लिए किन किन लोगों ने और किन किन इंस्टीट्यूशंस ने क्या स्टेप्स लिए हैं, इनको आपको कंसल्ट करना पड़ेगा. और उसके बेसिस पे फिर यू विल फॉर्म योर ओपिनियन एंड एनालिसिस कि क्या ये पाकिस्तान को ओवरऑल अफेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, और इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान के बाकी इंस्टीट्यूशंस पे और बाकी एरियाज पे क्या हो रहा है. सिमिलरली इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, हमने रिसेंटली देखा है कि पीटीआई गवर्नमेंट इज एडमेंट ऑन bringing electrical and digital form of vote casting, जिसके अंदर उन्होंने एक अपना sample machine बनाई है, और उसके ऊपर आपने देखा होगा कि election commission plus opposition has been throwing a lot of opposition, a lot of critique. उन्होंने उसको काफ़ी कोशिश की है कि उस तरह की चीज़ ना आ सके, लेकिन PTI government is adamant क्योंकि वो चाहती है कि जो रिगिंग का एलिगेशन है जो कंटिन्यूसली पिछले हमारे जितने भी इलेक्शंस में उसके अंदर आता रहा है, उसको सॉल्व किया जाए. तो इंटेंट एक अच्छी इंटेंट के साथ बट विदाउट कंसेंसस एक चीज चल रही है जिसके ऊपर एक बहुत पोलराइज्ड ओपिनियन होल्ड करता है पाकिस्तान के अंदर. इसको लेके फिर अगेन पूरा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का इलेक्शन 2017 का जो एक्ट है जो PMLN की गवर्नमेंट के अंडर आया, उसके बाद जो अभी इलेक्शन 2020 का ऑर्डिनेंस पीटीआई कर रही है, तो इन सारों को लेके उसके अंदर जो फ्लॉज थे और उसके बाद उसको हल करने के लिए पीटीआई अभी क्या कर रही है, और अभी जो वो जिस तरीके से वो लेके चल रहे हैं इस रिफॉर्म्स को, उसके अंदर क्या फ्लॉज हैं और उसके अंदर क्या बेहतरी आ सकती है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं. लास्ट तो इससे पहले हम एक बात कर लेते हैं लॉ मेकिंग के ऊपर भी. आपने रिसेंटली देखा होगा कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होते हुए भी सिंस पीटीआई डज नॉट एंजॉय द मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट, तो दे हैव बीन थ्रैशिंग आउट लॉज फ्रॉम ऑर्डिनेंसेस फ्रॉम द प्रेजिडेंसी. तो क्योंकि प्रेजिडेंसी को इस तरह से यूज किया जा रहा है आर्टिकल 89 ऑफ द आई एम सॉरी मैं थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया हूँ, मैं आपको 2 मिनट के अंदर दोबारा ज्वाइन करता हूँ.
जी आई रियली सॉरी, अपोलॉजीज फॉर द इनकन्वीनियंस, ये थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा लैपटॉप. ओके, कंटिन्यू फ्रॉम हेयर. अच्छा, लास्ट हम बात कर रहे थे लॉ मेकिंग की. लॉ मेकिंग में आपने देखा है रिसेंटली काफी एक पॉलिटिकल पोलराइजेशन है हमारी, पर्टिकुलरली ऑर्डिनेंसेस और लॉ मेकिंग फ्रॉम द पार्लियामेंट को लेके. तो इसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं कि क्या आर्टिकल 89 को यूज करना इतना फ्रीक्वेंटली बाय द पीटीआई गवर्नमेंट, उसका मिस यूज, उसके अब्यूज के बारे में क्वेश्चन आ सकता है. और इसके पहले जितने एग्जाम्पल्स हमारे उसमें रहे हैं पाकिस्तान की पोलिटिकल हिस्ट्री में, और उसके इम्प्लीकेशंस के ऊपर के क्या उससे जो लॉ मेकिंग की जाती है क्या उसको अवाम के अंदर, लोगों के अंदर, उसको मैसेस के अंदर कितनी पजीराई मिलती है, और क्या कितने वो सस्टेनेबल लॉज माने जाते हैं. लास्टली हमारे पास आता है अकाउंटेबिलिटी. अकाउंटेबिलिटी एक बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि आपके पाकिस्तान के अंदर जितना पॉलिटिकल इन्वायरमेंट आजकल शेप हो रहा है वो इसी बेसिस पे हो रहा है. जितनी भी लेग पुलिंग है, जितनी भी आप पाकिस्तान के पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जितनी भी इन फाइटिंग देखते हैं और आपस में फाइटिंग देखते हैं, दैट इज बेस्ड ऑन अकाउंटेबिलिटी. और जितने अलाइंसेस बने हैं रिसेंटली, पीडीएम को देखें और बाकी जितने भी गवर्नमेंट के खिलाफ लोग खड़े हो रहे हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी जो मसले आ रहे हैं, दैट इज बेस्ड ऑन अकाउंटेबिलिटी, पर्टिकुलरली बिकॉज पीटीआई केम इन टू पावर ऑन द बेसिस ऑफ देर प्रॉमिस इन देर मैनिफेस्टो के वो अकाउंटेबल ठहराएंगे अपने आप मिनिस्टर्स को भी और बाकी प्रीवियस गवर्नमेंट के लोगों को भी. और इसके अंदर जो रिजीम्स है, पर्टिकुलरली नैब को लेकर, उसके अलावा जो रिसेंट अभी पेंडोरा लीक्स आए हैं इसको लेकर, और नैब के अंदर रिफॉर्म्स भी, अगर आपने रिसेंटली न्यूज में देखा हो कि नैब के रिफॉर्म्स भी अभी रिसेंटली ऑर्डिनेंस के तौर पे पास भी हुए हैं, तो इन सब को लेके उनकी एनालिसिस, उनके इम्प्लीकेशंस के ऊपर क्वेश्चन जरूर आ सकता है. नेक्स्ट वी हैव इकोनॉमिक. इकोनॉमिक स्फेयर में अगर हम देखें तो जो गवर्नमेंट की रिसेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, पर्टिकुलरली स्टार्टिंग फ्रॉम 2018, जो उन्होंने एक स्टेबलाइजेशन की पॉलिसी रखी जिसमें दे टुक मेजर्स ऑफ ऑस्टेरिटी, उन्होंने अपनी गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम की ताकि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक क्राइसिस था, करंट अकाउंट का जो डेफिसिट आया हुआ था उसको कम किया जाए. और पहले 2-3 साल जब तक हफीज शेख साहब आपके फाइनेंस मिनिस्टर रहे, उन्होंने एक स्टेबलाइजेशन की पॉलिसी रखी, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता विद द न्यू फाइनेंस मिनिस्टर एंड विद दिस ईयर 2021 से, और न्यू बजट से देव स्टार्टेड अ पॉलिसी ऑफ ग्रोथ, जिसके अंदर उन्होंने आईएमएफ प्रोग्राम में भी थोड़े से इश्यूज आ रहे हैं. आप आईएमएफ प्रोग्राम से जो आपने प्रोमिसेस किए हुए थे उनको भी आप कंप्लीट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से दोबारा से उनके ऊपर निगोसिएशन स्टार्ट हो रही है. और इसके अंदर ट्रेड डेफिसिट जो आपके अंदर आपका आ रहा है, एक्सपोर्ट्स आपके ऑल दो ग्रो हुई है 27 बिलियन तक, 29 बिलियन तक गई हैं, लेकिन उसके बावजूद आपके इम्पोर्ट्स जो हैं दे आर स्टिल राइजिंग. इम्पोर्ट्स को कोशिश की गई थी कि कम करें स्टेबलाइजेशन के पीरियड में, जरूर कम हुई, लेकिन उसके बाद रिसेंटली हमने देखा है कि इम्पोर्ट्स फिर से बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से आपके करेंसी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट आ रहा है, बहुत ज़्यादा डिप्रिशिएट हो गया, 172 पर US डॉलर हो गया. और उसके अलावा आप देखते हैं कि आपका ट्रेड डेफिसिट जो है वो फिर से बलून कर गया, जो काफ़ी हद तक कम हो गया था. उसके बाद हमारे पास आ जाता है FATF का भी हमारे साथ एक काफ़ी इशू चल रहा है. और लास्ट जो रिपोर्ट थी उसके अंदर पाकिस्तान ने 35 आउट ऑफ आई गेस 40 रिकमेंडेशन जो थी उस पर लार्जली कंप्लाइंट पाकिस्तान पाया गया था. 35 में से भी 27 पे लार्जली कंप्लाइंट था और 8 पे फुली कंप्लाइंट था. तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, लेकिन पाकिस्तान इज स्टिल ऑन द ग्रे लिस्ट. तो इसके अंदर भी इसकी जो इम्प्लीकेशंस हैं, प्लस FATF ने पाकिस्तान को एक और रिकमेंडेटरी लिस्ट दी है, जिसके अंदर पाकिस्तान ने उन पॉइंट्स के ऊपर भी, आई थिंक 8 पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान को और इम्प्रूवमेंट के लिए उन्होंने न्यू लिस्ट दी है. तो
तो उनकी उनके होते हुए पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर क्या क्या असरात हो रहे हैं, और FATF किस तरह से एक पॉलिटिकल फोरम के तौर पे, प्लेटफॉर्म के तौर पे इंडिया और जो हॉस्टाइल स्टेट्स हैं पाकिस्तान के खिलाफ यूज करी हैं, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। उसके ऊपर भी एनालिसिस बिल्ड करने के लिए FATF के ऊपर भी आई विल गिव यू द कॉन्टेक्सुअल मटेरियल, आप उन कॉन्टेक्सुअल मटेरियल को पढ़ेंगे और उसके बाद फिर आप अपना एनालिसिस बिल्ड करेंगे विद द इंफॉर्मेशन दैट यू गेट फ्रॉम द न्यूज़पेपर्स एंड इंटरनेट अबाउट द करंट इवेंट्स। अभी फॉर एग्जांपल मैं आपको ये चीज़ें सारी आज जो पढ़ा दूंगा ये रोजाना के बेसिस पे चेंज होंगी, और आप जब पेपर में बैठेंगे तो जो मोस्ट करंट और लेटेस्ट आपके पास इंफॉर्मेशन होगी उसके बेसिस पे आपने अपना पेपर अटेम्प्ट करना है। आपका पेपर हालांकि पहले बन चुका होगा लेकिन आपने क्वेश्चन को आपने अपने जिस दिन आप पेपर में बैठेंगे उसके एनवायरनमेंट में अपना पेपर अटेम्प्ट करना है। इसी तरह लेटेस्ट जो हमारा बजट आया है 2021 और 2022 का 8400 बिलियन रुपीज़ का हमने बजट इस बार पेश किया है, और काफ़ी एम्बिशियस किस्म के प्लान हैं उसमें रेवेन्यू जनरेशन के लिए भी। तो इसको भी स्टडी करें, बजट 2021 और 2022 के ऊपर एनालिटिकल नोट आ सकता है कि किस तरह से आप उसको देखते हैं पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, पाकिस्तान की इकोनॉमी क्या इतना बड़ा बजट बर्दाश्त कर सकती है विथ इंक्रीजिंग बोरोइंग। पाकिस्तान ऑलरेडी एक डेट क्राइसिस के अंदर है और उसके बाद भी आप अपने स्पेंडिंग के लिए और ज़्यादा लोन और बोरोइंग करेंगे। फिर आ जाता है, आपने रिसेंटली अगर देखो पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर ने अपने UNGA की स्पीच में भी मनी लॉन्ड्रिंग और सेफ टैक्स हेवंस के बारे में काफ़ी बात की थी। तो मनी लॉन्ड्रिंग हैज़ बीन एन इशू पाकिस्तान, जो पोअर कंट्रीज हैं, जो साउथ ग्लोबल साउथ है, वहाँ से बहुत सारा पैसा ऐसे टैक्स हेवंस में जा रहा है जैसे ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स है, स्विट्जरलैंड है, जहाँ पे लोग अपने लॉन्ड्रेड मनी को पार्क करते हैं और उसके बाद जो जिस ओरिजिन होता है, कंट्री ऑफ ओरिजिन जो है उधर उसकी जहाँ पे ज़रूरत होती वो वहाँ पे नहीं लग सकता। इसी तरह डेट रिलीफ के बारे में प्राइम मिनिस्टर ने बात की थी, डेट रिलीफ के बारे में क्वेश्चन आ सकता है कि किस तरह से जो पुअर कंट्रीज़ को कोविड के एनवायरनमेंट में ख़ासतौर पे डेट रिलीफ दिया गया है, पाकिस्तान को जो डेट रिलीफ मिला है क्या उसके क्या फ़ायदे हुए हैं, और क्या डेट रिलीफ एक अच्छा मैकेनिज़म है और फ्रॉम ग्लोबल साउथ और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, ताकि ग्लोबल जो नॉर्थ ग्लोबल साउथ जो है, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। लास्टली आपने देखा होगा इस्लामाबाद के अंदर एक सिक्योरिटी डायलॉग हुआ था जिसके अंदर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी इसके ऊपर इशारा किया और प्राइम मिनिस्टर ने भी बात की। पाकिस्तान ने अपना एक फॉरेन पॉलिसी के अंदर और जनरली भी एक शिफ्ट लेकर आए फ्रॉम जियो स्ट्रेटजी टू जियो इकोनॉमिक्स, जिसके अंदर उन्होंने खास तौर पर बात की कि पाकिस्तान को एक कनेक्टिविटी का हब होना चाहिए। जो पाकिस्तान की लोकेशन है, सेंट्रल लोकेशन
नेक्स्ट आ जाता है सोशल सोशल स्फीयर में अगर हम देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो पाकिस्तान का COVID-19 रिस्पॉन्स है, जिसके अंदर वी हैव सीन के पाकिस्तान ने एक बहुत ही एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से अप्रोच किया इस पेंडेमिक को. सबसे पहले हम NCOC की अगर बात करें, एक सेंट्रल कमांड अथॉरिटी बनाएगी NCOC के नाम से. देन पाकिस्तान ने जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम अपना लॉन्च किया दैट हैज़ बीन वेरी अप्रोप्रिएट. उससे पहले पाकिस्तान ने जिस तरह से इसकी स्प्रेड को रोका विद बहुत ही लोकलाइज्ड अप्रोच से, बजाय इसके कि एक ब्लैंकेट बैन लगाते और ब्लैंकेट एक ब्लैकआउट करते और सारी इकोनॉमी आपकी रुक जाती, पाकिस्तान ने बहुत ही फोकस्ड अप्रोच रखी. पाकिस्तान ने जिसे वो कहते हैं लॉकडाउंस, जो स्मार्ट लॉकडाउंस किए थे प्राइम मिनिस्टर की जबान में, तो स्मार्ट लॉकडाउंस का जो पाकिस्तान का प्लान था इसके ऊपर काफ़ी अच्छी रिसर्च की हुई थी, काफ़ी अच्छे आर्टिकल्स भी हैं, आई विल शेयर देम विथ यू. तो उसके पाकिस्तान के रिस्पॉन्स के बेसिस पे और भी ग्लोबल हेल्थ इशूज को लेके और पेंडेमिक्स को लेके क्वेश्चन आ सकते हैं कि पाकिस्तान का रिस्पॉन्स कैसा था और ग्लोबली अगर देखा जाए तो पाकिस्तान, व्हाट कैन पाकिस्तान लर्न फ्रॉम दिस ग्लोबल एक जो हेल्थ के इश्यूज हैं जिसकी एक पेंडेमिक बनने की खतरा है, जैसे डेंगू है, मलेरिया है, पोलियो है और इस तरह की जो इश्यूज हैं, जीका वायरस है, कॉन्गो वायरस है, तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है. फिर पाकिस्तान के एहसास प्रोग्राम को लेके क्वेश्चन आ सकता है. पाकिस्तान ने इस पर $260 बिलियन अपने बजट में एहसास प्रोग्राम के लिए, और एहसास प्रोग्राम एक काफ़ी अच्छा सोशल प्रोटेक्शन का मैकेनिज्म समझा जाता है, जिसके अंदर नॉट जस्ट एक फाइनेंशियल डोलिंग आउट ऑफ मनी के अलावा भी वी हैव सीन के नरिशमेंट के ऊपर भी काम किया जा रहा है, स्कॉलरशिप्स के ऊपर भी काम किया जा रहा है, वुमेन राइट्स के ऊपर भी काम किया जा रहा है, वुमेन को मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज दी जा रही हैं. उसके अलावा हमने देखा है फूड सिक्योरिटी के ऊपर भी काम किया जा रहा है, उन्होंने पनागा वगैरह जो बनाए हैं उसके अंदर उन्होंने जो अपना खाने का निज़ाम रखा है, जिस तरह से फूड बैंक्स होते हैं अमेरिका में और डिफरेंट डेवलप्ड कंट्रीज में, उस तरह का एक कम्प्लीट एक अच्छा प्रोग्राम इस्टेब्लिश हुआ है एहसास प्रोग्राम के अंदर, और इसके ऊपर भी रीडिंग मटेरियल आप लोगों को मिल जाएगा. एंड एवरी अदर सोशल प्रॉब्लम जो पाकिस्तान अफेयर्स में आप पढ़ेंगे पाकिस्तान के सोशल प्रॉब्लम्स के बारे में, इलिटरेसी, पॉवर्टी, आजकल जो क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन जो हुए हैं पाकिस्तान के अंदर रिसेंटली, हमारे पाकिस्तान वाला वाक्य है, मोटरवे वाला वाक्य है, तो इन सब को लेके एक एनालिसिस आ सकता है कि पाकिस्तान का लीगल इन्वायरमेंट जो है या फिर पाकिस्तान का सोशल फैब्रिक जो है वो किस तरह से डिटेरियोरेट कर रहा है, और इसके अंदर आप क्या समझते हैं कि क्या चीज़ें इम्प्रूवमेंट ला सकती हैं. तो अब ये सब हर बंदे का आंसर डिफरेंट होगा, हर बंदे के अपने ख्याल होंगे, लेकिन हर बंदे का जो एनालिसिस है दैट विल बी बैक बाय एविडेंस के आप जो बात कर रहे हैं क्या ये कहीं और पे काम कर चुका हुआ है, और क्या एविडेंस ये बताती है कि जो आप सोल्यूशन दे रहे हैं, रिकमेंडेशन दे रहे हैं, वो काम करेगा पाकिस्तान के इन्वायरमेंट के नहीं. ऑलराइट, उसके बाद एक हमारा जो कॉम्पोनेंट है, जो लास्ट हमारा कॉम्पोनेंट था डोमेस्टिक अफेयर्स का, वो आपको पता है 15 मार्क्स का है, और ये पाकिस्तान फॉरेन रिलेशंस वाला और ग्लोबल इश्यूज वाला ये 30-30 मार्क्स के हैं. तो हम ज़्यादा फोकस पाकिस्तान के फॉरेन रिलेशंस करेंगे, इसलिए मैं आपको कल कराऊंगा, और इसके साथ मैं कोशिश करूंगा कि कुछ क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट करके देखें कि किस तरह से स्ट्रक्चर किए जा सकते हैं अपने आंसर्स को, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स फेच कर सकें. पाकिस्तान के फॉरेन रिलेशंस में हम देखते हैं कि नेबर्स से हमारे जो फॉरेन रिलेशंस हैं, पाकिस्तान के 4 नेबर्स हैं, पार्टनर्स जो हैं आपके सेंट्रल एशिया में टर्की हो गया, उसके अलावा जितने पार्टनर्स हैं मलेशिया, मुस्लिम वर्ल्ड में जो आपके सऊदी अरब हो गया, गल्फ कंट्रीज हैं, अफ्रीकन कुछ कंट्रीज हैं, ग्लोबल पावर्स के साथ USA, चाइना, रशिया, जर्मनी, P5 के जितने कंट्रीज हैं, और रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस में और ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस में पाकिस्तान का जो रोल है, तो इसके ऊपर हम इंशाल्लाह कल बात करेंगे. अब हम आ जाते हैं, मैं कुछ ग्लोबल इश्यूज को पर्टिकुलरली थोड़ा सा डिटेल में करना चाह रहा था, बाकी इंशाल्लाह आप लोगों को मैं मटेरियल प्रोवाइड कर दूंगा तो आप लोग उनका कॉन्टेक्स्ट ले लीजिएगा. अब अफगानिस्तान सबसे बर्निंग इशू है जो हमारे पास अभी पाकिस्तान में एक सबसे ज़्यादा जो डिस्कस भी किया जा रहा है. तो सबसे पहले अगर हम देखें कि February 29, 2020 को दोहा अग्रीमेंट हुआ था बिटवीन USA एंड अफगान तालिबान, और उसके अंदर उनके आपस में अंडरस्टैंडिंग ये हुई थी कि मई तक
14 months ke andar USA jo hai it will withdraw its forces from Afghanistan and Afghan Taliban aur Taliban jo Afghan government thi us time pe Afghani government thi wo aapas mein prisoners ki exchange karega aur ek conducive environment banayega for an intra Afghan dialogue uske andar we saw ke ek irresponsible kisam ki withdrawal hui jisme USA could not complete its promise jo unhone may tak responsible withdrawal karna tha wo late ho gaya wo august tak gaya aur us duran Ghani government jo hai wo apni credibility aista aista khoti gayi aur Afghanistan mein kafi provincial capitals jo hain wo without any confrontation jo hai Afghan Taliban ne take over kar liya aur finally on 15th august Afghan Taliban took over Kabul तो इसके अंदर अभी जो करंट इश्यूज हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट जो है रिकग्निशन और लेजिटिमेसी के हैं कि अफगान तालिबान को एज अ गवर्नमेंट रिकग्नाइज करेंगे कि नहीं करेंगे अभी तक किसी भी कंट्री ने नहीं किया डिप्लोमेटिक रिलेशन ज़रूर रखे हुए हैं इवन पाकिस्तान ने अभी तक रिकग्नाइज नहीं किया लेकिन पाकिस्तान उनके साथ बहुत ज़्यादा इंगेज कर रहा है और on behalf of many other powers that are aur engagement kafi positive bhi rahi hai iske alawa we have seen ke humanitarian crisis ke bare mein kafi baat ho rahi hai kyunki economically is time pe sustainable nahi hai jo afghan taliban ki government hai kyunki wahan pe unke jo foreign assets the wo bhi freeze kar diye gaye hain us ke jo banks mein pade the aur uske alawa ट्रेडिंग रुक गई है सिर्फ पाकिस्तान के अलावा जितने जगहों से उनकी ट्रेड चल रहा था वो रुकी हुई है इकोनॉमिक एक्टिविटी रुकी हुई है एक फियर का फैक्टर है जिसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी इनसाइड अफगानिस्तान रुकी हुई है जिसकी वजह से एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस शेप कर रही है और फिर एक ग्लोबल असिस्टेंस का फैक्टर आता है ग्लोबल असिस्टेंस इस टाइम पर चाहिए ताकि एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को अवर्ट किया जा सके लेकिन जो फॉरेन गवर्नमेंट्स हैं वो अपनी असिस्टेंस को और इस कुछ चीज़ों के साथ लिंक कर रही है और उसके लिए उन्होंने आपने अगर देखा हो कि कल भी डिप्टी उनकी जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं यूएस की वो भी पाकिस्तान में आई हुई थी एंड शी ऑल्सो सेड के जो ग्लोबल असिस्टेंस है वो हम लिंक करेंगे किस चीज़ के साथ पाकिस्तान हमें हेल्प करे और तालिबान को इस चीज़ के ऊपर अकाउंटेबल ठहराए किन चीज़ों के ऊपर इंक्लूसिव रूलिंग सेटअप के ऊपर कि अफगानिस्तान अफगान तालिबान ने हमसे प्रॉमिस किया था कि वो एक इंक्लूसिव रूलिंग सेटअप बनाएंगे जिसके अंदर वीमेन भी इंक्लूड होंगी और बाकी जो एथनिक माइनॉरिटीज़ हैं वो भी होंगी अभी तक जो उन्होंने रूलिंग सेटअप बनाया दैट इज़ मेजरली तालिबान की ही गवर्नमेंट है तालिबान की ही सिर्फ उसके अंदर रिप्रजेंटेशन है वीमेन की रिप्रजेंटेशन कोई भी नहीं है ताजिक्स और हज़ारस की थोड़ी सी रिप्रेजेंटेशन बाद में जूनियर मिनिस्टर्स के तौर पे आई है उसके अलावा दे आल्सो लिंक्ड विद ऑब्जर्वेंस ऑफ राइट्स जो विमेन राइट्स हैं उनकी ऑब्जर्वेंस उसके अलावा दे आल्सो सेट के गर्ल्स की एजुकेशन भी अलाउ होनी चाहिए जो कि अभी तक सेकेंडरी एजुकेशन ऑफ गर्ल्स अलाउ नहीं की तालिबान ने और मल्टीपल अदर वो जो कम्यूनिटीज़ हैं जैसे माइनॉरिटीज़ हैं ज्यूज़ हो गए क्रिश्चियंस हो गए सिक्स हो गए अफगानिस्तान के अंदर जो नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज़ हैं उनकी भी राइट्स के बारे में बात की गई है इसी तरह उनके ऊपर एक और भी डिमांड रखा गया है कि आप फुलफिल करेंगे अपने काउंटर टेररिज्म की कमिटमेंट्स को जो उन्होंने प्रॉमिस किया था कि अलकायदा एंड अदर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को वो अलाउ नहीं करेंगे कि अफगान सॉइल यूज़ हो अगेंस्ट अदर कंट्रीज पर्टिकुलरली यूएस जिनका दोहा एग्रीमेंट जिनके साथ किया गया था और इन्हीं बेसिस पे फिर वो जो सैंक्शंस अफगानिस्तान अफगान तालिबान के इंडिविजुअल्स पे लगी हुई है वो और अफगान तालिबान के गवर्नमेंट पे जो लगाई हुई है वो उसको लिफ्ट करेंगे यही बात याद रखने वाली है कि 2013 में अमेरिका ने अपने जो सैंक्शंस अफगान तालिबान पे एज अ ऑर्गेनाइजेशन लगाए थे वो उठाए थे क्योंकि अगर वो उन सैंक्शंस के होते हुए उनके साथ डायलॉग नहीं कर सकते थे इसलिए उन्होंने अफगान तालिबान पे कोई सैंक्शंस नहीं लगाए हुए लेकिन इंडिविजुअल्स पे उन्होंने सैंक्शंस जरूर लगाए हुए इसके ऊपर पाकिस्तान का रिस्पांस क्या रहा है पाकिस्तान ने पॉजिटिवली इंगेज किया विद बोथ साइड्स
ग्लोबल पावर्स के साथ भी और अफगान तालिबान के साथ भी। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान के टेक ओवर को अपने अपने हिसाब से अपने इंटरेस्ट को लेके काफ़ी एब्जॉर्ब करने की कोशिश की है। पर्टिकुलरली सबसे इम्पोर्टेंट था रेफ्यूजीज के इनफ्लो को रोकना, उसके लिए पाकिस्तान हैज़ डन अ वेरी गुड जॉब। पाकिस्तान ने अपने बॉर्डर्स को फेंस किया हुआ है, जिसकी वजह से एक पोरस ना होने की वजह से एक अनकंट्रोल्ड फ्लो नहीं हुआ, इनफ्लो नहीं आया। उसके अलावा भी अपने बॉर्डर से काफ़ी मैनेज तरीके से एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ पीपल को अलाउ किया कि वो पाकिस्तान में एंटर हो। इसके अलावा पाकिस्तान ने ह्यूमैनिटेरियन एड के तौर पे बाकी कंट्रीज की भी हेल्प की, वहाँ से एवैक्यूएशन में भी और यहाँ से भी जब अफगानिस्तान के लिए हेल्प भेजनी थी तो पाकिस्तान की फ्लाइट्स PIA के थ्रू काफ़ी एड वहाँ पे गई है, जिसके नंबर्स आप ऑब्वियसली आर्टिकल्स के अंदर से नोट करेंगे, अपने पेपर्स में आप लोगों ने स्टैट्स ज़रूर डालने हैं कि कितनी अमाउंट गई है। और फिर पाकिस्तान ने अभी रिसेंटली अपने नेशनल जो पाकिस्तान के अंदर जो अभी रिसेंटली मीटिंग हुई है प्राइम मिनिस्टर ने हेड की है, उसके अंदर भी डिसाइड किया कि हम फाइनेंशियल उनकी जो स्ट्रक्चर है उसको अपहोल्ड करने के लिए हम उनको टेक्निकल असिस्टेंस भी देंगे। ऑलराइट, लास्ट जो चीज़ आती है वो ISS का आता है, ISIS और IS का जो खुरासान वाला चैप्टर था दैट हैज़ बीन वेरी एक्टिव। और वो अभी आपने कल भी देखा होगा कुंदूज में एक अटैक हुआ है, और उससे पहले इवैक्यूएशन की प्रोसेस के दौरान भी उन्होंने एयरपोर्ट पर अटैक किया था। तो ये एक थ्रेट अभी एग्जिस्ट करता है जो सॉल्व करने वाला है अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। और उसके अलावा इसके अंदर एक और डेवलपमेंट हुई है विद रिस्पेक्ट टू TTP। पाकिस्तान का जो एक और कंसर्न है वो है TTP का यूज़ ऑफ अफगान सॉइल अगेंस्ट पाकिस्तान, बट उसमें ये नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान को अफगान तालिबान ने किसी तरह कन्विंस कर लिया है कि पाकिस्तान शुड टॉक विद देम एंड एब्जॉर्ब देम इन देयर ओन सोसाइटी अगर वो सरेंडर करने पे आमादा हो जाते हैं। तो आपने रिसेंटली पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का इंटरव्यू भी देखा होगा कि वो उन्होंने इसका इंदिया दिया है और कि पाकिस्तान ऑलरेडी इन टॉक्स है, और TTP ने भी एक सीज फायर अनाउंस किया था। तो इसको लेके एक क्वेश्चन आ सकता है कि TTP के साथ आपके ख्याल में पर्टिकुलरली तब जब TTP ने पाकिस्तान के स्टेट को चैलेंज किया और पाकिस्तान के साथ जितने भी पहले ट्रीटीज़ किए थे उनको वायलेट किया, उसके बाद भी पाकिस्तान के स्टेट को TTP के साथ के साथ निगोशिएट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। तो ये सारे आप देखेंगे कि ये कॉन्टेक्स्ट भी बिल्ड हो रहा है और साथ साथ ये करंट इश्यूज भी हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, और इसको फिर आपने पाकिस्तान के ऊपर इनके इम्पैक्ट और ग्लोबल इम्पैक्ट के तौर पे आपने इसको स्टडी करना है और अपना एनालिसिस बिल्ड करना है अफगानिस्तान पे जिस तरह का भी क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ग्लोबल इश्यूज में US और चाइना की कॉम्पिटिशन। US चाइना कॉम्पिटिशन आपको याद है 2014-15 में स्टार्ट हो गया था जब ट्रंप ने एक ट्रेड वॉर स्टार्ट कर दी थी, और उसके बाद वी सॉ के ट्रेड वॉर बहुत आगे की हद एक्सट्रीम हद तक गया, लेकिन सिर्फ ट्रेड वॉर की हद तक नहीं रहा, इनकी जो कंपटीशन और कॉन्फ्लिक्ट है ये इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन में सबसे ज़्यादा आपको प्रोमिनेंटली नज़र आता है। अगर आप अपने स्क्रीन पे देख सकें कि ये पैसिफिक ओशन है और ये इंडियन ओशन है, इन बोथ दीज ओशंस यहाँ पे चाइना का ख़ास तौर पे यहाँ पे क्लेम है साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी में काफ़ी आइलैंड्स जो हैं इनके हिस्टोरिकली चाइना की टेरिटरी रही है, लेकिन जो इंटरनेशनल लॉ है वो बताता है कि आपके 12 नॉटिकल माइल्स और 200 नॉटिकल माइल्स जो आपकी टेरिटोरियल वाटर्स की जो उन्होंने मार्किंग की हुई है उसके अंदर जो आपकी टेरिटरी होती है सिर्फ वो आपकी होती है, उससे आगे वाली वो इंटरनेशनल वाटर समझाती है। तो अभी क्योंकि ये कंट्रीज इतने क्लोज हैं आपस में, यहाँ पे 3-4 आइलैंड्स हैं जैसे स्पार्टली आइलैंड्स, पैरासेल आइलैंड्स, कैराबरो हो गया, और 2-3 और आइलैंड्स ऐसे हैं जिसके ऊपर चाइना का भी क्लेम है, और फिलीपींस, मलेशिया, वियतनाम, आई थिंक मलेशिया, वियतनाम, फिलीपींस और ब्रुनाई, इस तरह के कोई 5-6 कंट्रीज हैं जिनका आपस में क्लेम है कि ये आइलैंड्स हमारे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट की फिजा है। उसको US एक्सप्लॉइट कर रहा है बाय सपोर्टिंग ऑल अदर कंट्रीज अगेंस्ट चाइना,
क्योंकि एक तो यहाँ से ट्रेड बहुत ज़्यादा गुजरती है पैसिफिक ओशन से, ये वाला जो मलाका स्ट्रेट है यहाँ से आपकी ट्रेड रूट्स शिपिंग रूट है, जहाँ से मेजॉरिटी ऑफ योर ऑयल और मेजॉरिटी ऑफ योर ट्रेड दुनिया की ग्लोबल की अराउंड 40% यहाँ से गुजरती है, और यहाँ पे फिशिंग जोन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझा जाता है। एक ये वजह भी है कि चाइना अपनी यहाँ की कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से ओबोर को लेकर, BRI को लेकर काफ़ी एम्बिशियस है, और 60 कंट्रीज़ वाला उन्होंने अपना प्रोग्राम BRI वाला स्टार्ट किया हुआ है। और फिर क्योंकि ये BRI स्टार्ट करने की वजह से ये वाला कॉन्फ्लिक्ट जोन जो है ये एक तरह से ठंडा पड़ सकता था, या फिर चाइना उसको ज़्यादा जियो स्ट्रेटिजिकली फोकस कर रहा था और जियो इकोनॉमिकली एक अपना नया रूट बना रहा था, तो US ने भी अपना जियो इकोनॉमिक एक हथियार स्टार्ट किया जिसको उन्होंने P3W का नाम दिया, जो कि अभी रिसेंटली उन्होंने नेटो और G7 के साथ उन्होंने अनाउंस किया था जो बाइडन की जब UK में मुलाकात हुई थी G7 कंट्रीज के साथ। P3W एक बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड के नाम से उन्होंने इनिशिएटिव लिया, जिसके अंदर अराउंड $40 trillion का इंफ्रास्ट्रक्चरल उन्होंने इन्वेस्टमेंट का प्लान किया इन ऑल थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में। B3W का कॉन्सेप्ट आप इस तरह से समझें कि क्योंकि जियो स्ट्रेटिजिकली कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, बट चाइना के पास एक एज था कि वो जियो इकोनॉमिक उनका सेफ चल रहा था BRI के थ्रू, तो एक जियो इकोनॉमिक वेपन है बाय US एंड वेस्टर्न फोर्सेस। फिर आपने देखा होगा कि US की एक काउंटर टेररिज्म फोर्स है क्वाड के नाम से, जिसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और US जो है वो मिलके पैसिफिक इंडो पैसिफिक के अंदर मिलिट्री एक्सरसाइजेस करते हैं, और इनकी मिलिट्री कोऑपरेशन है जिसको वो यूज़ करते हैं अगेंस्ट चाइनीज, चाइना को कंटेन करने के लिए, चाइना को थोड़ा सा इनसर्कल किया हुआ है उन्होंने। और इसी के अंदर अभी रिसेंट एक डेवलपमेंट हुई है जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर प्रोपेल्ड सबमरीन्स प्रोवाइड करेगा US, जो कि फ्रांस के साथ भी उनके ताल्लुकात ख़राब करने के हद तक चले गए। यहाँ पे ए ऑस्ट्रेलिया, UK है और US अमेरिका है। पहले ऑस्ट्रेलिया का एक फ्रांस के साथ सबमरीन्स खरीदने का हुआ था, डील हुई थी, जिसको उन्होंने स्क्रैप करके अचानक से US और UK के साथ इसको अनाउंस किया, और इसकी वजह से US के और फ्रांस के ऑस्ट्रेलिया के भी आपस में ताल्लुकात ख़राब हुए, लेकिन उसके बावजूद दे हैव अनाउंस्ड इट और ऑकस के अंडर अब ऑस्ट्रेलिया को दे कैन यूज एज अ बेस, दे कैन यूज देम एज अ सैटेलाइट स्टेट टू कंट्रोल एंड कंटेन चाइनीज इन्फ्लुएंस इन द रीजन। और साउथ और ईस्ट चाइना सी का मैंने आपको कॉन्फ्लिक्ट का बता दिया कि किस तरह से चाइनीज का वहाँ पे क्लेम है ऑन डिफरेंट आइलैंड्स। अमेरिका एक और वेपन यूज़ करता है, एक पोलिटिसाइज किया हुआ उन्होंने ह्यूमन राइट्स इशू को, जिसमें दे यूज द उइगर्स का जो इशू है सिंकियांग रीजन में, जो चाइना के इधर बिल्कुल ईस्ट वेस्ट में आता है, पाकिस्तान के नॉर्थ में आता है, सिंकियांग रीजन में जो मुस्लिम्स हैं उनके जो आप कह लें री एजुकेशन के जो उनकी इंटरनमेंट फैसिलिटीज़ हैं उसको उन्होंने काफ़ी हाईलाइट किया है। उसके इश्यूज़ ज़रूर होंगे, पाकिस्तान का उसके ऊपर डिफरेंट स्टांस है, लेकिन उस इशू को ह्यूमन राइट्स को के एंगल से उन्होंने उसको इतना पोलिटिसाइज किया है कि वो चाइना को एक तरह से अंडरमाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके ऊपर क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि पाकिस्तान का जो स्टांस है क्या वो सही है मॉरली, या फिर इट इज़ ड्रिवन बाय नेशनल इंटरेस्ट, या जो भी पाकिस्तान के वो हो सकते हैं फैक्टर्स हो सकते हैं जो पाकिस्तान को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि पाकिस्तान इस तरह का स्टांस ले कि पाकिस्तान उइगर्स मुस्लिम्स पे चाइना को सपोर्ट कर रहा है, इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है। इन सब में इंडिया का रोल क्या है? इंडिया आप अगर देखें कि अगर इंडिया को एक रीजनल पुलिसमैन का उन्होंने रोल दिया है US ने, जिसमें इंडिया इज फैसिलिटेटिंग US कंटेनमेंट पॉलिसी ऑफ चाइना, वो इंडिया को बजाय इसके कि पहले पाकिस्तान को यूज़ करते थे इन कंटेनमेंट ऑफ USSR, अब वो इंडिया को यूज़ करते हैं, उन्होंने क्वाड में भी इसको डाला हुआ है, इन्होंने NSG का नेशनल न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में इसको वेवर भी दिया इंडिया को, और काफ़ी फैसिलिटीज़ और प्रोवाइड कर रहा है इंडिया को, ताकि
इंडिया को यूज करे बजाय इसके कि यूएस की अपनी हर जगह प्रेजेंस हो। इसलिए इंडिया की भी अगर आप देखेंगे तो चाइना के साथ इंडियन ओशन के अंदर एक कॉम्पिटिशन चल रहा है जिसके अंदर मल्टीपल बेसिस इन्होंने बनाए। चाइना ने अपने बेसिस जिबाउटी में, गवादर में और हम्बनटोटा में, श्रीलंका में और बांग्लादेश में चिटागोंग में, म्यांमार में भी बनाए, और इंडिया ने अपने बनाए साइट चिलीज में और यहाँ पे चाबहार में इन्वेस्ट कर रहे थे जो कि अभी थोड़ा सा ठंडा पड़ गया है, और इंडिया के मल्टीपल बेसिस बनाए और श्रीलंका में भी उन्होंने एक बेस बनाया। तो ये एक कॉम्पिटिशन इंडिया वर्सेज चाइना का भी इंडियन ओशन के अंदर चल रहा है, जिसके अंदर पाकिस्तान का बहुत मिनिमल रोल है, लेकिन पाकिस्तान भी अपनी कोशिश जरूर कर रहा है विद चाइनीज असिस्टेंस अपने सबमरीन और एक ब्लू नेवी बनाने के लिए। इन सब का इम्पैक्ट पाकिस्तान पे क्या है? पाकिस्तान को इसकी वजह से, क्योंकि पाकिस्तान एक चाइनीज कैंप का हिस्सा समझा जाता है बिकॉज ऑफ सीपैक, तो पाकिस्तान की यूएस के साथ रिलेशंस काफ़ी स्ट्रेन हुई हैं। उसमें पाकिस्तान की जगह यूएस ने कंप्लीट एक अपनी सपोर्ट जो है इंडिया के उसमें देना, कैंप को देना शुरू कर दिया, और इंडिया इसकी वजह से काफ़ी रिवाइटलाइज हुआ और इंडिया काफ़ी बोल्डली अपनी वायलेशंस जो हैं कश्मीर के अंदर और एल्सवेयर करते हुए नज़र आ रहा है। अच्छा, ईरान का इशू है जो रिसेंटली दोबारा से निकला है, पर्टिकुलरली न्यू जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से। आप आज भी अगर न्यूज़ अगर देखें तो फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान ने बात की है कि JCPOA के ऊपर थोड़ी सी उनको होप नज़र आ रही है, अगर US जो है वो हमारे उनके इख्तियार में है कि वो इसको लेकर चलना चाहते हैं कि नहीं लेकर चलना चाहते हैं। तो अगर JCPOA जो है, जो जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन था ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को कंटेन करने के लिए, ताकि ईरान को इकोनॉमिकली जितने उसके ऊपर सैंक्शन थे वो लिफ्ट किए जाएं और ईरान अपना न्यूक्लियर डील, न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो बंद कर दे, कंटेन करे उसको और अलाउ करे जो इंटरनेशनल सेफ गार्ड के ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे नेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, उनको अलाउ करे कि वो इसके ऊपर एक चेक रखें, तो ईरान की इकोनॉमी दोबारा से थ्राइव करना शुरू होगी, जो कि ओबामा के टाइम पे साइन हुई थी JCPOA, और ट्रंप ने इसको 2016-17 या 2018 में इसको स्क्रैप किया था, जिसके बाद ईरान ने अपनी दोबारा से वायलेशन स्टार्ट कर दी थी JCPOA की, क्योंकि ट्रीटी तो रही नहीं, विड्रॉ कर लिया था यूएस ने, और उसके बेसिस पे ईरान ने अपने दोबारा से यूरेनियम को 3.7% से 60% तक इनरिच करना स्टार्ट कर दिया था। अब यूएस चाहता है कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम वापस से बंद करे और ईरान चाहता है कि उसके सैंक्शंस उठाए जाएं, लेकिन एक बेहतर मैकेनिज्म बनाया जाए कि सिर्फ लास्ट टाइम की तरह एकदम से विड्रॉ ना कर ले यूएस। इसमें यूएस की जो वो है पॉलिसी ये भी है कि वो इसराइल का भी इस पर ख्याल रखते हुए इस ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल्स की भी जो प्रोग्राम है उसको भी इसमें इंक्लूड शायद करना चाहे, क्योंकि लास्ट टाइम JCPOA में बैलिस्टिक मिसाइल्स का प्रोग्राम जो था इंक्लूडेड नहीं था, जिसकी वजह से काफ़ी इसराइल ने क्रिटिसाइज किया था इस JCPOA को। उसके बाद न्यू गवर्नमेंट आई है ईरान के अंदर जो कि कंजर्वेटिव गवर्नमेंट है, तो उनका इसके ऊपर क्या रिएक्शन होता है, क्योंकि पिछली गवर्नमेंट जो थी वो एक मॉडरेट गवर्नमेंट थी और वो चाहती थी ज़्यादा इंगेजमेंट, न्यू गवर्नमेंट हो सकता है इस बात पर थोड़ी सी सख्ती दिखाए और शायद अपना स्पेस ना दे यूएस को, तो इसकी इस पर कितना होपफुल रह सकते हैं कितना नहीं रह सकते इसके ऊपर आपका क्या एनालिसिस है वो आप देखेंगे, कि नई कंजर्वेटिव गवर्नमेंट के होते हुए आपको लगता है JCPOA दोबारा साइन हो सकेगा कि नहीं हो सकेगा। सैंक्शंस का मैंने आपको बता दिया, IAEA का बता दिया। चाइना ने रिसेंटली एक डील की थी ईरान के साथ $400 बिलियन की, जिसके अंदर चाइना उनके ऑयल एंड गैस में $260 बिलियन और $280 बिलियन और $120 बिलियन उनकी ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट करने लगा था। इसको लेके यूएस के काफ़ी एप्रीहेंशंस हो सकते हैं कि किस तरह से ये प्ले आउट करेगा, क्योंकि यूएस का इस टाइम पे जो पॉलिसी है वो है कि चाइना एंड रशिया आर देयर बिगेस्ट एनिमीज, और उन्होंने हर हालत में चाइना को कंटेन करना है, चाइना को अपने से आगे नहीं जाने देना, इकोनॉमिकली भी और स्ट्रेटजिकली भी। फिर ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर, खासतौर के अंदर मिडिल ईस्ट के अंदर जो रोल रहा है,
उसके ऊपर भी यूएस के काफ़ी कंसर्न हैं, बाकी कंट्रीज़ के भी काफ़ी कंसर्न हैं. जिस तरह के पर्शियन गल्फ के अंदर काफ़ी अटैक्स हुए हैं इस ऑयल टैंकर्स के ऊपर, और उनको एसोसिएट किया गया ईरान के साथ. सीरिया के अंदर और यमन के अंदर जो लोकल मिलिशियाज हैं उनको ईरान ने जिस तरह से सपोर्ट किया है, उसके ऊपर लोगों को कंसर्न्स थे, यूएस के खास तौर पे कंसर्न्स हैं. और ईरान चाहेगा कि वो उनकी वहाँ की वहाँ पे जो प्रेजेंस है यमन में सीरिया में, वो उसको एज अ बार्गेनिंग चिप यूज़ भी करे, कि अगर यूएस टेबल पे तो वो अपनी सपोर्ट टू जो मिलिशियाज हैं वो ख़त्म तभी करेंगे, वो बताएं कि हम तभी ख़त्म करेंगे अगर आप हमसे निगोशिएट करेंगे और हमें इतनी स्पेस देंगे कि हमें हमारे सैंक्शन उठाए जाएं. तो एक बार्गेनिंग चिप के तौर पे भी यूज़ किया जा सकता है. ईरान वर्सेस यूएसए के कॉन्फ्लिक्ट्स आपके पास आपको पता है, एक तो न्यूक्लियर प्रोग्राम का है, ईरान का जो इसराइल के खिलाफ स्टैंड है उसके ऊपर है, इसराइल का सऊदी अरब के साथ जो है वो भी एक रीजनल पावर की जो हेजेमोनिक वो है एम्बिशन है उसकी बेसिस पे है. सऊदी अरब चाहता है कि उसको कोई चैलेंज ना कर सके, और वो जो एक मोनार्किकल अपना उन्होंने सिस्टम रखा हुआ है उसको कोई चैलेंज ना कर सके. ईरान के अंदर जो एक इस्लामिक गवर्नमेंट है, एक जो सिस्टम है विलायत फकी वाला, वो चैलेंज करता है मोनार्किकल सिस्टम्स को, जहाँ पे एक बादशाह है, जिसकी वजह से कि सऊदी अरब जो है अपने आप को इनसिक्योर फील करता है, और बाकी गल्फ कंट्रीज भी ऑब्वियसली उसने आपको इनसिक्योर फील करते हैं. इस वजह से ईरान और इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट सबको आपको अंदाज़ा होगा. पैलेस्टाइन के ऊपर भी इशू है, उसके अलावा ज़ायनिज्म को लेके ईरान के आज फॉरेन मिनिस्टर ने दोबारा बयान दिया है इसके ऊपर. और इसी बेसिस पे अजरबैजान के साथ भी रिसेंटली आपने देखा होगा कि एक बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ, जिसके अंदर ईरान ने एक मिलिट्री एक्सरसाइज स्टार्ट की थी ऑन द बॉर्डर्स ऑफ अजरबैजान, जिसका नाम उन्होंने फातह खैबर एक्सरसाइज रखी थी, और अजरबैजान ने इसकी रिस्पांस में टर्की के साथ बॉर्डर पे एक्सरसाइज स्टार्ट की है. और इन दोनों की आपस में काफ़ी आजकल एक हॉस्टिलिटी चल रही है, इवन दो बोथ आर शिया मेजॉरिटी कंट्रीज. तो इसके इम्पैक्ट्स भी आप देख सकते हैं कि ईरान और अजरबैजान का अगर कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा फ्लेयर अप करता है तो वो किस तरह से ईरान को और ज़्यादा वीकन कर सकता है, और ईरान की किस तरह से अमेरिका इसको एक्सप्लोर कर सकता है, क्योंकि अजरबैजान को यूएस ने अपने एडवर्सरीज के साथ मिलने के लिए भी एक न्यूट्रल ग्राउंड के तौर पे यूज़ किया है. इसके अलावा भी अजरबैजान इसराइल को काफ़ी चीज़ों पर सपोर्ट करता है, और अमेरिका के मूव को जो इसराइल के अंदर उन्होंने जेरूसलम के अंदर अपना एम्बेसी मूव किया था फ्रॉम तेल अवीव, उसको भी सपोर्ट किया था. तो ईरान की अजरबैजान के साथ इसलिए भी थोड़ी सी हॉस्टिलिटी रहती है. देन वी हैव पैलेस्टाइन इशू. पैलेस्टाइन इशू के अंदर जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हैं वो आपने देखे थे कि गजा और वेस्ट बैंक में काफ़ी अटैक्स हुए, जिसमें बहुत सारे इनोसेंट पीपल पर्टिकुलरली चिल्ड्रन एंड वीमेन मारे गए थे. उसके अंदर हमने ये देखा कि इसराइल को रोकने के लिए यूएस ने काफ़ी कोशिश की, लेकिन इसराइल सिर्फ अपने टर्म्स पे ही माना, क्योंकि इस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा उनको इम्बोल्डन कर चुके हुए हैं बाय अब्राहम एकॉर्ड्स. अब्राहम एकॉर्ड्स उन डील्स को कहते हैं जिसमें इसराइल ने यूएई, बहरीन और सूडान के साथ, और आई थिंक हाँ थ्री ये कंट्रीज हैं, उसके अलावा भी कुछ कंट्रीज के साथ बातचीत चल रही है, जिनके साथ इन्होंने अपने रिलेशंस को बेहतर किया है, साइन किए हैं उन्होंने बायलैटरल डिप्लोमेटिक रिलेशंस उन्होंने अपने इम्प्रूव किए हैं, जिसकी वजह से अभी आप देखेंगे कि गल्फ स्टेट्स भी बहुत ज़्यादा टिल्टेड हैं टूवर्ड्स इसराइल, बिकॉज इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वहाँ पे उनके, और बहुत ज़्यादा अभी पीपल टू पीपल एक्सचेंज भी स्टार्ट हो गया. रिसेंटली दुबई में जो एक्सपो है उसमें भी इसराइल का काफ़ी बड़ा पवेलियन है. इसके बाद ईस्ट जेरूसलम के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट है. ईस्ट जेरूसलम के ऊपर अभी तक कॉन्फ्लिक्ट है कि इसराइल इसको अपना कैपिटल मानता है, पैलेस्टाइन इसको अपना हिस्सा मानता है. इलीगल सेटलमेंट्स के ऊपर इशू है. 1967 से पहले जो बॉर्डर्स थे, टू स्टेट सोल्यूशन बेसिकली कहता है ये कि पैलेस्टाइन और इसराइल दो अलग अलग स्टेट्स होंगे, जिसमें 1967 से के वॉर से पहले जो बॉर्डर्स थे वो बहाल किए जाएंगे. 1967 से पहले काफ़ी जो वेस्ट बैंक का हिस्सा था वो
पैलेस्टाइन के पास था, लेकिन अभी क्योंकि इलीगल सेटलमेंट्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं तो इसराइल ने काफी कब्जा कर लिया है इस जो आपका ईस्ट वेस्ट बैंक था उसके ऊपर। इलीगल सेटलमेंट्स के अलावा रेफ्यूजीज का इशू है, बहुत सारे पैलेस्टीनियंस जो हैं वो जॉर्डन में, सीरिया में, इजिप्ट में रह रहे हैं, लेबनन में रह रहे हैं, और उनको वापस लेकर आने का और इसराइल के अंदर जो उनके एरियाज इसराइल ने कब्जा कर लिया उनके अंदर सेटल करने का इशू अभी भी एग्जिस्ट करता है। और जो न्यू इसराइली गवर्नमेंट है उनके बारे में ये कहा जाता है कि जो अभी प्राइम मिनिस्टर हैं ही इज़ अ वेरी कंजर्वेटिव और ऑर्थोडॉक्स किस्म के जीव हैं, जो इसको पैलेस्टीनियन स्टेट को टू स्टेट सोल्यूशन पर बिल्कुल यकीन ही नहीं रखते। तो क्या टू स्टेट सोल्यूशन अचीवेबल होगा, तो इसके ऊपर भी असेसमेंट आप लोगों की इम्पोर्टेंट होगी एग्जाम को लेके। नेक्स्ट इज कश्मीर डिस्प्यूट। कश्मीर डिस्प्यूट का हमें पता है रिसेंटली 19 अगस्त का जो सॉरी अगस्त 2019 के अंदर जो उन्होंने दो आर्टिकल्स उन्होंने चेंज किए थे, 370 को ख़त्म किया था और 335A को उन्होंने अमेंड किया था, जिसके अंदर उन्होंने स्पेशल स्टेटस ऑफ कश्मीर ख़त्म कर दिया और उन्होंने अलाउ किया कि बाहर से जो नॉन कश्मीरीज हैं वो वहाँ पे अपनी डोमिसाइल भी ले सकते हैं और लैंड ले सकते हैं। तो उसके अंदर अगर उस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो पाकिस्तान का जो उसके ऊपर रिस्पांस है, ग्लोबल रिस्पांस है, उसके ऊपर एक असेसमेंट आ सकती है कि इंडिया इतने इम्बोल्डन स्टेप्स ले रहा है उसके बावजूद कश्मीर डिस्प्यूट को हम पाकिस्तान वाई पाकिस्तान हैजंट बीन एबल टू प्रोजेक्ट इट एज अ ह्यूमैनिटेरियन इशू दैट इफेक्टिवली। तो उसके अंदर आप देखेंगे कि इंडिया का ग्रोविंग कंट्रोल कश्मीर के अंदर किस तरह से उन्होंने अपनी मिलिट्री प्रेजेंस वहाँ पे बढ़ाई है और डेमोग्राफिक चेंजेस करने की कोशिश की है विद 6 मिलियन पीपल जिनको अभी उन्होंने वहाँ पे डोमिसाइल्स इशू किए हैं जो नॉन कश्मीरीज थे। इसके ऊपर फीडिंग सपोर्ट फ्रॉम दी अर्स्टवाइल आपके जो सपोर्टर्स थे, जैसे ओआईसी के अंदर काफ़ी आपको इशू हुआ सपोर्ट लेकर आने में, यूएई सऊदी अरेबिया ने काफ़ी जो पहले खुल के सपोर्ट करते थे वो अभी आपको उस तरह से सपोर्ट नहीं करते। और कश्मीर इशू का फिर इम्पैक्ट ऑन जीपी स्टेटस, कश्मीर इशू को हमने कराची एग्रीमेंट के बाद लिंक कर दिया था गिलगित बल्तिस्तान के साथ, गिलगित बल्तिस्तान की पॉपुलेशन भी पार्टिसिपेट करेगी प्लेबिसेट में, तो उसकी वजह से इंडिया अभी क्लेम करता है जीबी को एज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी। तो जीबी का जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है इन पाकिस्तान दैट इज ऑलवेज लिंक्ड विद कश्मीर का जो डिस्प्यूट है, तो इसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसके ऊपर बहुत लिटरेचर है, मैं आपको वो काफ़ी लिंक्स प्रोवाइड भी कर सकता हूँ आर्टिकल्स, और इसके ऊपर आप लोग फिर अपना एनालिसिस बिल्ड करेंगे कि क्या जीबी को एक प्रोविजनल प्रोविंस का स्टेटस देना would that affect Pakistan's position on Kashmir cause? उसके बाद पाकिस्तान का जो सपोर्ट टू कश्मीरीज है क्या वो आपके ख्याल में फेड हो रहा है कि नहीं हो रहा, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है कश्मीर इशू को रिजॉल्व करने के लिए, पाकिस्तान क्या कर सकते हैं और पाकिस्तानीज और क्या कर सकते हैं, पाकिस्तान की फॉरेन सर्विस क्या कर सकती है, डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान क्या कर सकता है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। लास्टली हम देखेंगे कि अदर ग्लोबल इश्यूज में आपको थोड़ा जिक्र कर देता हूँ, तो इनके ऊपर भी आप लोगों को थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए। नगोनो कराबाख का जो रिसेंटली इवेंट हुआ था अर्मेनिया वर्सेस अजरबैजान का एक टेरिटोरियल डिस्प्यूट है जिसपे अजरबैजान का भी क्लेम है और अर्मेनिया का भी क्लेम है। इसके अंदर अजरबैजान ने इस 2020 में लड़ के वो लैंड रिक्लेम की है और उसके अंदर अभी रशिया ने उसको मीडिएट करवाया था उन दोनों के कंट्रीज के दरमियान और रशिया की वहाँ पे फोर्सेस उस एरिया में है। पाकिस्तान इसमें अजरबैजान को सपोर्ट करता है और अर्मेनिया को एक ही यूएन मेंबर स्टेट है जो रिकग्नाइज नहीं करती, वो पाकिस्तान है, बिकॉज पाकिस्तान अजरबैजान को इस नगोनो कराबाख कॉन्फ्लिक्ट में सपोर्ट करता है। क्लाइमेट चेंज के ऊपर आ सकते हैं क्वेश्चन। अभी COP24 होने वाला है जो इस बार आई थिंक ग्लासगो में होना है, तो 1 नवंबर को है, ज़रूर देखिएगा उसके अंदर पाकिस्तान का क्या स्टांस होता है और क्लाइमेट उसके अंदर से क्या जॉइंट स्टेटमेंट आती है उसके ऊपर ज़रूर पढ़िएगा। क्लाइमेट चेंज के पिछले जो प्रोटोकॉल्स हैं, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल्स, उनको भी ज़रूर स्टडी कीजिएगा।
मैं उनके ऊपर आपको मटेरियल जरूर प्रोवाइड कर दूंगा। न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किस तरह से न्यूक्लियर मटेरियल का प्रोलिफरेशन रोकना, स्प्रेड रोकना बहुत ज़रूरी है इस आजकल के पोलराइज्ड वर्ल्ड में, ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में, जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स के खतरे और भी बढ़ते जा रहे हैं। तो इसके ऊपर भी मैं आप लोगों को स्लाइड्स और मटेरियल प्रोवाइड कर दूंगा। इसके अंदर पर्टिकुलरली JCPOA वाला जो हमने अभी ईरान वाला देखा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट होगा। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया वाला प्रोग्राम जो है वो काफ़ी इसके अंदर आ सकता है, उसके बारे में भी। और पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है और पाकिस्तान के अंदर जो न्यूक्लियर प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर है, किस तरह से उसको प्रोटेक्ट करते हैं और क्या कमांड अथॉरिटी है, उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, वो आपको मैं मटेरियल प्रोवाइड कर दूँगा। लास्टली फूड वाटर सिक्योरिटी के ऊपर आजकल बहुत जगहों पे कोविड की वजह से और जो इकोनॉमिक एक्टिविटी आपकी स्लो डाउन हुई थी उसकी वजह से काफ़ी इनसिक्योरिटी है, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। वाटर सिक्योरिटी के ऊपर काफ़ी अच्छे आर्टिकल्स मौजूद हैं, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पे स्लाइड्स ख़त्म होती हैं। आई वुड लाइक टू हैव योर क्वेश्चंस, ताकि आप लोगों की अगर कोई कंसर्न्स हैं तो हम उसको उस पर बात कर सकें। आप लोग रेज कर सकते हैं अपने हैंड्स और मैं बारी बारी आप लोगों के क्वेश्चन ले लूँगा। थैंक यू। जी रेहान, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर, आई जॉइन्ड वेरी लेट। मुझे पूछना था कि पाकिस्तान अफेयर की जो सवाल सर, पाकिस्तान के डोमेस्टिक अफेयर्स मुझसे मिस हो गई हैं, अगर आपने शेयर की थी तो सर, अगर टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा बता दें कि कौन कौन से टॉपिक्स आपने बताई थी। रेहान, मैं आपको स्लाइड्स जो है और रिकॉर्डिंग जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा, प्लीज आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा और अगर आपको उसमें भी कोई इशू हो फिर आप मुझसे व्हाट्सएप पे या फिर ईमेल पे, मैं आप लोगों से क्वेश्चन ले लूंगा। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। जी रहीला, आप क्वेश्चन पूछ सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैन यू हियर मी? जी रहीला, सुन सकता हूं आपको। सर मुझे यहां पे पूछना था क्रिटिकल एनालिसिस के बारे में। आपने कहा कि अपना एनालिसिस देना है हर क्वेश्चन में, तो फॉर एग्जांपल यहां पे अफगानिस्तान का इशू आपने डिस्कस किया, इसमें अफगानिस्तान के अंदर जो हालात है अभी इसको आपने डिस्कस किया, उसके बाद पाकिस्तान पर इसका इम्पेक्ट आपने डिस्कस किया, तो ये बातें उन पर मतलब हर हेडिंग्स के अंदर लिखना, ये हमारा एनालिसिस होगा या उसका अलग से हेडिंग क्रिटिकल एनालिसिस देख के अलग से लिखना होगा सर? इन पर लिखना हमारा एनालिसिस होगा। जी थैंक यू रहीला, आपका क्वेश्चन जो है वो हम थोड़ा सा कल भी एड्रेस करेंगे, क्योंकि कल मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस के साथ आप लोगों को आंसर्स लिखना सिखाऊंगा। आउटलाइंस में आप लोगों को दिखा दूंगा कि किस तरह से एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जा सकता है। क्रिटिकली एनालाइज करने का मतलब यहाँ पे ये कि आपके ज़्यादातर क्वेश्चंस जो होंगे उनके अंदर इसी तरह की कोई वर्डिंग होगी कि क्रिटिकली एनालाइज दिस सिचुएशन, या फिर ये इवेंट हुआ, फॉर एग्जाम्पल अफगान तालिबान टुक ओवर काबुल and ran over the Afghan government like a knife through the butter, and there was no conflict with the Afghan army. What do you think about the current situation in Afghanistan? Ab uske andar pehle aap thoda sa context denge apna ki kya hua, kya events hue, kya issues pesh aaye,
लेकिन वो आपका जो बैकग्राउंड देने वाला पार्ट है वो इतना लंबा नहीं होना चाहिए, आपका ज्यादा पार्ट होना चाहिए जहाँ पे आपसे वो उन्होंने एनालिसिस मांगी है। और जब आप एनालिसिस अपना देंगे उसके अंदर फिर आप बताएंगे कि फॉर एग्जाम्पल जो उन्होंने वहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन पूछा गया जिसमें उसके इम्पैक्ट पूछे गए विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का उनके साथ अभी क्या रिलेशन है, पाकिस्तान उसमें क्या इंगेजमेंट कर रहा है, और पाकिस्तान के लोगों पे क्या असर हो सकता है, पाकिस्तान के सोशल फैब्रिक पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है, पाकिस्तान के इकोनॉमिक उसके ऊपर क्या इश्यूज आ सकते हैं, फॉर एग्जांपल ट्रेड रुक सकती है तो इकोनॉमी के ऊपर क्या असर आ सकते हैं, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट पे क्या असर आ सकते हैं, पीपल टू पीपल लिंकेजेस पे क्या असर आ सकते हैं, क्योंकि बॉर्डर पे जो लोग रहते हैं उनके तो ग्रेजिंग राइट्स हैं, उनके उनकी फैमिलीज बॉर्डर के इस साइड पे हैं तो दूसरे साइड पे भी रहते हैं, तो ये जो पूरी एक सिचुएशन बन गई है, एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया, उसके इम्पैक्ट्स जो होंगे ऑन ग्लोबल अरेना और पाकिस्तान को पर्टिकुलरली, वो अगर उन्होंने क्वेश्चन के अंदर नहीं भी लिखा हुआ तो आपने बताना है कि उसके इम्पैक्ट्स क्या होंगे। लेकिन ये आपने क्वेश्चन पे भी डिपेंड करता है, ये जरूरी नहीं है कि कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें शायद आपको ना देना पड़े, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन में आपको इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान, उसके पाकिस्तान के हवाले से और क्या उसी में पाकिस्तान क्या कंट्रीब्यूशन कर सकता है, हो सकता है जैसे क्लाइमेट चेंज के ऊपर क्वेश्चन आ जाए तो जैसे वो पूछ सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से और क्लाइमेट चेंज जो इतना अभी एक इम्पेंडिंग फैक्टर बना हुआ है तो उसके हवाले से अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें आप पाकिस्तान की कॉन्ट्रीब्यूशन बता सकते हैं, उसके अंदर पाकिस्तान की पाकिस्तान के ऊपर क्या इम्पैक्ट है क्लाइमेट चेंज का, इवन तो पाकिस्तान इज वन ऑफ द लोएस्ट ग्रीन हाउस गैसेस एमिटिंग कंट्रीज, उसके लिए पाकिस्तान को हेल्प करने के लिए बाकी कंट्रीज क्या कर सकते हैं, तो ये क्वेश्चन के ऊपर भी डिपेंड करेगा, लेकिन आपके जहन में ये चीज़ें होनी चाहिए कि सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल और कल्चरल क्या इम्पैक्ट्स एक पर्टिकुलर इवेंट क्रिएट कर सकता है, तो क्रिटिकली आप जब एनालाइज करेंगे तो इस तरह की चीजें आप लेकर आएंगे अपने आंसर के अंदर, और इसको हम कल ज्यादा एड्रेस कर सकेंगे क्योंकि कल हमारे पास क्वेश्चंस भी होंगे और आंसर्स भी होंगे तो वो ज्यादा आपको स्पेसिफिक हो जाएगा, अभी काफी वेग रहेगा, आई कैन अंडरस्टैंड। हानिया यू कैन आस्क योर क्वेश्चन, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आनिया जी सर, सर मुझे ये स्टेट नैरेटिव में थोड़ी कंफ्यूजन थी कि हमने स्टेट नैरेटिव को कंसीडर करते हुए आर्गुमेंट बिल करने का, सर इसका मतलब कि हम गवर्नमेंट के बारे में या स्टेट के बारे में कोई भी मतलब उनके फॉल्ट्स को डिस्कस ही नहीं करेंगे, या मतलब उसको कैसे अपने आर्गुमेंट को जस्टिफाई करेंगे जब हम उनके जो गवर्नमेंट कर रही है या स्टेट कर रही है वो उसको उसके खिलाफ अगेंस्ट जाना ही नहीं है, तो हम अपना आर्गुमेंट जस्टिफाई कैसे करेंगे सर, इस बात की समझ नहीं आई, कंफ्यूजन हो रही है थोड़ी। जी थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन हानिया। अब इसमें इस तरह से है कि मैंने आपको बताया था कुछ चीजों के अंदर ना स्टेट नैरेटिव इंपॉर्टेंट होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल अफगानिस्तान को लेके आप ये नहीं कहेंगे कि पाकिस्तान तालिबान को सपोर्ट कर रहा था और पाकिस्तान हेल्प द तालिबान टू टेक ओवर इन टेकिंग ओवर दी काबुल, और काबुल गवर्नमेंट को पाकिस्तान अंडरमाइन करने की कोशिश कर रहा था, और क्योंकि पाकिस्तान एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ का जो कॉन्सेप्ट पाकिस्तान के खिलाफ यूज़ किया जाता है, तो इस तरह करके ना जो जो एक एंटी स्टेट नैरेटिव है उसको आप ज़्यादा पुश नहीं करेंगे, लेकिन आप क्रिटिसाइज ज़रूर कर सकते हैं क्योंकि कुछ जगहों पर गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो हैं वो उनके ऊपर क्वेश्चन आएगा, उसके अंदर आप क्रिटिसिज्म भी दे सकते हैं, उसके अंदर आप ब्राइट साइड भी दिखा सकते हैं, और उसके साथ साथ आप उसको जब क्रिटिकली एनालाइज करेंगे तो जाहिर सी बात है उसमें क्रिटिसिज्म आएगा, उसके अंदर आप रिकमेंडेशंस भी देंगे कि किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है, लेकिन क्रिटिसिज्म डज नॉट मीन कि आप एक एंटी स्टेट नैरेटिव को वहाँ पे प्रोपेगेट करने की में पार्टिसिपेट करें, तो मैं उस सेंस में कह रहा था। आप स्टेट नैरेटिव का फॉर एग्जांपल आप अगर आ जाता है इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस के ऊपर जब क्वेश्चन आएगा तो पाकिस्तान के आइडियोलॉजिकल बेसिस को आप क्वेश्चन वहां पे नहीं करेंगी कि पाकिस्तान बनना ही नहीं चाहिए था तो ये प्रॉब्लम्स ही ना होते,
कश्मीर डिस्प्यूट का के ऊपर क्वेश्चन आता है, वे फॉरवर्ड आता है, तो आप ये कह देंगे पाकिस्तान को कश्मीर डिस्प्यूट को बस छोड़ देना चाहिए क्योंकि वो तो सॉल्व हो ही नहीं सकता। अब ये कुछ ऐसे नैरेटिव्स हैं जिनको आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, लेकिन उसमें आप फ्लॉज जरूर बता सकते हैं कि पाकिस्तान के स्टेट ने और रिकरिंग गवर्नमेंट्स ने क्या क्या गलतियां की जिसकी वजह से ये डिस्प्यूट अभी तक सॉल्व नहीं हो सका, ये रिलेशंस बेहतर नहीं हो सके। आप वहाँ पे क्रिटिसाइज करें, रिकमेंडेशन जरूर दें, लेकिन स्टेट के जो नैरेटिव है उसको थोड़ा सा आप बिल्कुल अप्रूट नहीं करना, उसको थोड़ा सा वहाँ पे ख्याल रखते हुए आपने अपना आंसर करना है। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन आपका अभी भी सॉल्व नहीं हुआ आंसर, तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं दोबारा। जी सोनी, आप क्वेश्चन पूछ सकती हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, मेरा सवाल है ये कश्मीर डिस्प्यूट के बारे में। मैंने किसी से सुना था, आई डोंट नो इसमें जो है कितनी सदाकत है, कि सुना था कि ये इस तरह का स्पेशली कश्मीर डिस्प्यूट का सवाल आप अवॉइड करें अटेम्प्ट करने से। तो सर, व्हाट इज योर टेक ऑन इट? क्या अगर हमारी अच्छी प्रेपरेशन है, इन डेप्थ हमारी अंडरस्टैंडिंग है स्टार्टिंग फ्रॉम हिस्ट्री टू द कंटेम्पररी इशू, तो उसको अटेम्प्ट करना चाहिए? थैंक यू। थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन सोनिया। देखिए, मैं आपको कभी भी नहीं कहूंगा कि आप कोई क्वेश्चन चॉइस पे छोड़ के जाएं, लेकिन ये कि कश्मीर इशू के ऊपर हो जाता है लोगों को प्रॉब्लम, इस बात पे आती है कि उनका कंप्लीट ग्रिप नहीं होता पूरे इशू पे, उस डिस्प्यूट के ऊपर। तो व्हाट आई विल डू इज आई विल सेंड यू अ वीडियो जिसके अंदर हमारे एक इंटरनेशनल लॉ एक्सपर्ट हैं, उन्होंने काफ़ी एक कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर दिया हुआ है 40-50 मिनट्स का, तो आप उसको भी देख सकते हैं। उसके अलावा भी अगर आप कोशिश करें, तो अगर आपका एक क्वेश्चन के ऊपर कम्प्लीट ग्रिप है, तो इस बेसिस पे ना छोड़ें कि किसी ने कहा था कि इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना कंट्रोवर्शियल होता है या फिर मुश्किल होता है। आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के उसमें एबिलिटी में। कश्मीर इशू के ऊपर लोगों का ज़्यादातर मसला ये आता है कि उनका कंप्लीट ग्रिप नहीं होता और दे फेल टू अंडरस्टैंड और सी थ्रू द प्रॉब्लम, और ज़्यादातर एक वेग किस्म का और अनइम्प्लीमेंटेबल और थोड़ा सा अनटेंजिबल किस्म के प्रपोजल्स देकर आते हैं, तो इसकी वजह से मार्क्स में थोड़ा सा इशू आ जाता है। बाकी इतना इशू नहीं है। आई वुड रिकमेंड कि अगर आपका अच्छा ग्रेप है उसके कॉन्टेक्स्ट के ऊपर, उसकी हिस्ट्री, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के ऊपर और अभी करंट जो इश्यूज हैं, तो आप ज़रूर अटेम्प्ट करें। मुराद, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आई हैव अनम्यूटेड यू। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, मेरा क्वेश्चन है सर, जो नई न्यू तालिबान गवर्नमेंट आई है एंड इम्प्लीकेशन फॉर पाकिस्तान सर, तो इम्प्लीकेशन में हम नेगेटिव इम्पैक्ट्स के लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट्स दे सकते हैं सर? जी मुराद, बिल्कुल जरूर दे सकते हैं। उसमें तो जरूरी है कि आप ना दोनों साइड दें, कभी भी एक साइड आपने डिस्कस नहीं करनी क्वेश्चन के अंदर, जब तक नहीं लिखा हुआ कि बिल्कुल आपने सिर्फ एक नैरो डाउन करके नहीं दे देते कि आप सिर्फ नेगेटिव इम्पैक्ट बताएं, उसमें भी कोशिश करें कि थोड़ा सा स्पेस बना लें, लेकिन जो क्रक्स ऑफ क्वेश्चन है ना उसको ज़्यादा आपने टाइम देना, उसको ज़्यादा आपने आंसर में जगह देनी है। तो अगर आपका क्वेश्चन है कि उसके इम्पैक्ट्स ऑन पाकिस्तान बताएं न्यू अफगान तालिबान गवर्नमेंट के, तो उसमें आप ज़रूर डिस्कस करें कि किस तरह से पाकिस्तान के लिए एक जो एक हॉस्टिलिटी का फैक्टर था वो कम हो जाएगा, किस तरह से जो अफगान सॉइल यूज़ हो रही थी पहले उसके ऊपर किस तरह से अफगान तालिबान ने एक आपके साथ एक वो किया है, प्रॉमिस किया है, एक कमिटमेंट किया है कि वो उसको यूज़ नहीं होने देंगे, वो किस तरह से पाकिस्तान के लिए क्रूशल है, तो वो पॉजिटिव साइड देना भी ज़रूरी होता है और नेगेटिव साइड देना भी ज़रूरी होता है। एक बैलेंस्ड आपने आंसर देना होता है और उसके बाद अपने एनालिसिस में लिखना होता है कि कौन सी साइड ज़्यादा ओवर उसका वेट ज़्यादा है और उसके कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में क्या चीज़ पाकिस्तान को चूज करनी चाहिए, पाकिस्तान को किस हद तक उनके साथ इंगेज करना चाहिए, वो आप फिर क्रिटिकल एनालिसिस में आ जाएगा जो आपका
मेन पार्ट होगा, लेकिन आप दोनों साइड जरूर देंगे। ऑलराइट, अभी मुझे कोई किसी के हैंड्स रेज नजर नहीं आ रहे। इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चंस तो हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, वी कैन टेक मोर क्वेश्चंस, वरना विल एंड द टुडेस लेक्चर। और कल फिर हम पाकिस्तान के फॉरेन रिलेशंस करेंगे, और उसके अलावा हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के 2-3 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को अटेम्प्टेड दिखाऊंगा आउटलाइंस के साथ, ताकि आप लोग उसको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकें। वी हैव 2 मोर क्वेश्चंस, रेहान देन सोनिया। रेहान आप अनम्यूट कर सकते हैं। सर आई हैव अ क्वेश्चन, मुझे पूछना था कि कोई ऐसी सोर्स बता दें जिसके जरिए हम लोग करंट अफेयर्स और जो पाकिस्तान की डोमेस्टिक अफेयर्स हैं उसको कवर कर सकें, लाइक कोई यूट्यूब चैनल या फिर कोई ऐसी वेबसाइट। सर थैंक यू। जी रेहान, मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करूंगा, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो कॉन्टेक्स्ट बिल्ड करने वाला पार्ट है उसके लिए मैं आप लोगों के साथ डॉक्यूमेंट शेयर करूंगा। मैंने खुद जब प्रिपरेशन की थी तो जो नोट्स मैंने यूज किए थे 2018 तक अपडेटेड है, तो वो 2018 तक के हिसाब से आप उनको पढ़ सकते हैं। उसके बाद जितनी डेवलपमेंट्स हुई उसके लिए यू विल हैव टू यूज इंटरनेट। इंटरनेट के लिए मेरे पास जो कुछ आर्टिकल्स मेरे पास पड़े होंगे रीसेंट डेवलपमेंट्स की, वो मैं आपको सेंड कर दूंगा, एक लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स होंगे। बाकी ये कि थोड़ी सी रिसर्च आप लोगों को खुद करनी पड़ेगी। यूट्यूब चैनल्स में आप लोगों को यूट्यूब के वो वीडियोस जो शायद आप लोगों को हेल्प करें वो भेज दूंगा। चैनल्स में इसलिए नहीं भेजूंगा क्योंकि फिर वो काफ़ी सबकी क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाते, वो कभी अच्छे वीडियोस भी बन जाते हैं कभी नहीं बनते। तो मैं आप लोगों को पर्टिकुलर इवेंट्स के ना टॉपिक्स के हिसाब से आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। एक जो गूगल ड्राइव शेयर हुई भी है ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप में, उसके ऊपर मैं एक फोल्डर बना दूंगा करंट अफेयर्स का, उसके अंदर आप लोग ढूंढ लीजिएगा उसको। मैं करने के बाद आप लोगों को ग्रुप में भी बता दूंगा। जी सोनिया आप अनम्यूट कर सकती हैं। सर मेरा ये दूसरा सवाल था कि इसी क्वेश्चन में अगर जो है सर अगर रिकमेंडेशंस पूछे नहीं गए हुए लाइक प्रिवेंटिव मेयर्स या रिकमेंडेशंस, तो फिर भी हमें देने चाहिए, और अगर देने चाहिए तो उसको वेटेज कितनी देनी चाहिए सर, क्योंकि टाइम आपको पता है बहुत ही कोई लिमिटेड होता है और क्वेश्चंस ज़्यादा अटेम्प्ट करने होते हैं। थैंक यू। जी सोनिया, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसके अंदर आपको रिकमेंडेशंस मांगे जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनमें नहीं मांगे जाएंगे लेकिन उनमें आपको खुद ही फील रिक्वायर्ड होगी। जैसे उन्होंने पूछा होगा कि हाउ शुड पाकिस्तान रिएक्ट टू दी करंट कॉन्फ्लिक्ट बीइंग प्लेड अप ऑन दी ईरान अजरबैजान बॉर्डर। अब उन्होंने पूछा इस तरह से कि उसमें पाकिस्तान को कैसे करना चाहिए, या फिर हाउ हैज पाकिस्तान reacted to this conflict, and उसके अंदर फिर critically analyze करने का पूछा हुआ है, और उसके अंदर do you think Pakistan could have reacted in a better way या more effectively। इसी तरह economy के ऊपर सवाल आ सकते हैं कि पाकिस्तान ने ये economic policy बनाई है, पाकिस्तान went to IMF again stabilize its economy, do you think it was the right decision to make at this point। उसके अंदर फिर आप जब एक दफ़ा एनालाइज कर देंगे और उसके बाद फिर जब आप बता देंगे कि सही था या नहीं था, तो उसके अंदर इम्प्रूवमेंट्स के लिए आप ऑटोमेटिकली रिकमेंडेशंस एक थोड़ा सा वहाँ पे नीड आपको फील होती है। अगर आपको लगता है कि ऑलरेडी जो क्वेश्चन पूछा हुआ है उसका आंसर ज़्यादा लंबा हो गया और उसके अंदर आपको फील रिक्वायर्ड नहीं लग रही, आपको रिक्वायर्ड नहीं है रिकमेंडेशंस की, आप उसको स्किप कर सकती हैं। लेकिन कुछ जगहों पर एक्सप्लिसिटली और कुछ जगहों पर इम्प्लिसिटली उन्होंने बताया होगा कि आप रिकमेंडेशंस दें, और ये फिर आपने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है, क्वेश्चन क्या आपसे मांग रहा है, तो ये फिर मैं आप पे छोड़ूंगा कि आप देखेंगे कि इसमें आपको रिकमेंडेशंस देनी है कि नहीं देनी। ऑलराइट, आई थिंक देयर इज नो मोर क्वेश्चंस। अगर हैं तो आप लोग अभी भी हैंड रेज कर सकते हैं, वरना फिर आई विल एंड द सेशन, और उसके बाद मैं रिकॉर्डिंग भी अपलोड कर दूंगा और गूगल ड्राइव पे भी आप लोगों के अपलोड करके फिर आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। एंड वी विल हैव आवर क्लास ऑन फॉरेन रिलेशंस टुमारो एट द सेम टाइम 4 PM पे। चलें जी, थैंक यू सो मच, आई होप दिस वॉज हेल्पफुल। आई विल सी यू गाइस टुमारो, और गुड लक विद योर प्रिपरेशंस। अल्लाह हाफिज़।